हेलो दोस्तों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध किया जा रहा है, तो फिल्म को लेकर बैन करने की मांग उठ रहा है। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इस फिल्म का विरोध किया है। मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अली खान ने कहा है कि अगर पठान फिल्म रिलीज हुई तो विरोध करेंगे। उलेमा बोर्ड ने ऐलान किया है कि पठान मूवी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर मुसलमानों का विरोध है। इस फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं हिंदू सेना ने भी पठान फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमने सेंसर बोर्ड को इस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है, अगर उस पत्र पर संज्ञान नहीं लिया गया तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और हमारा संगठन उग्र प्रदर्शन भी करेगा। हिंदू सेना ने सिनेमाघर मालिकों को धमकी दी है कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। संगठन ने सेंसर बोर्ड को चेताया है कि जिम्मेदारी से काम करें, नहीं तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। पठान की बेशरम रंग के एक सीन में दीपिका ने केसरी रंग की बिकनी पहनी है। दीपिका के रिवीलिंग कपड़ों के साथ उनकी बिकनी के केसरी रंग पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह भगवा का रंग है और पठान फिल्म में इसका अपमान किया गया है। पठान में हुए भगवा के अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा। उन्होंने कहा, शाहरुख खान और दीपिका की आने वाली फिल्म पठान में जिस तरह से भगवा रंग के कपड़े अश्लील तरीके से पहनाए गए है और उसे पहनकर बेशरम रंग गाना गाया है, यह भगवा और सनातन धर्म का अपमान है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस भगवे ने पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया है उसे बेशरम रंग कहा जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। मैं हिंदू समाज से निवेदन करता हूं कि वो पठान फिल्म का बॉयकॉट करे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब किसी एक्ट्रेस ने केसरी रंग के कपड़े फिल्म में पहने हैं। इससे पहले रवीना टंडन के टिप टिप बरसा पानी में वो भी केसरी रंग की साड़ी में दिखाई दी थी। रवीना ने गाने में अक्षय कुमार के साथ कई इंटेंस और रोमांटिक सीन्स पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, तो फिर अब दीपिका के कपड़ों पर बवाल क्यों हो रहा है? ये शाहरुख और दीपिका के फैंस का सवाल है। अब दोस्तों, बेशरम रंग गाने पर मैं अपना नजरिया बताऊं तो जो बवाल इस गाने को लेकर हो रहा है उससे तो पठान फिल्म का बॉयकॉट तो नहीं, मगर हाँ प्रमोशन जरूर हो रहा है। जिस दिन से इस गाने पर बवाल उठा है उस दिन से लेकर अभी तक बेशरम रंग गाने का व्यूज बढ़ते ही जा रहा है और पठान फिल्म के टीजर का व्यूज भी बढ़ते ही जा रहा है। जिससे एक बात तो ये भी है कि जिन लोगों को पठान फिल्म के बारे में पता भी नहीं था, अब उन लोगों को भी ये बात पता चल गया है कि पठान नाम की कोई मूवी भी आने वाली है। अब यार ये मूवी का प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, बेशरम रंग गाने से जो बवाल उठा है ये सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।